अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर पाउडर। हमारा जो दूसरा चैनल है जायका दिल्ली छह, उस पर 700 डिशेस पूरी हो चुकी हैं। उन डिशेस के अंदर कम से कम 100 से 150 के करीब, लगभग कम या ज्यादा हो सकती हैं, हमने ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर डाला है। और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि ब्लैक पेपर क्या और व्हाइट पेपर, क्योंकि हम वो एक जगह मिलाकर रखते हैं। तो आप देखेंगे, हमने ये अंदाजे से काली मिर्च ले ली है ब्लैक पेपर, और ये है हमारे पास दखनी मिर्च, क्वार्टर कप के करीब ही ली है हमने, और इतनी ही हम ले लेते हैं दखनी मिर्च। ये लाल मिर्च की तरह बिल्कुल तीखी होती हैं, और आप देखेंगे कि क्वार्टर कप ही हमने ये ली है काली मिर्च, और क्वार्टर कप ही हमने ये व्हाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च ली है। इनमें बिल्कुल तीखापन रेड चिली की तरह ही होता है, वैसे ये बस चुटकी या फिर क्वार्टर या फिर हाफ टी स्पून ऐसा डलती है। लेमन ब्लैक पेपर चिकन डाला हुआ है हमारा, लेमन ब्लैक पेपर मटन डाला हुआ है उसके अंदर ये गया है। आपको दखनी मिर्च नहीं मिलती है तो वही काम आपका ये काली मिर्च तीखेपन के लिए कर देगी, लेकिन आप इसका खाली पाउडर बनाएंगे तो पाउडर का कलर काला आता है, और इसके साथ बनाते हैं तो पाउडर का कलर ऐसा आता है। तो हम इसलिए बनाते हैं, आप इसको बना के 6 महीने के करीब रख सकते हैं, बस इतनी ही क्वांटिटी में बनाएं, इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे। तो हम सबसे छोटा वाला और सबसे शार्प वाला ब्लेंडर ले लेते हैं, और दोनों ये बराबर हैं क्वांटिटी में, तो हम ये इसमें डाल देते हैं और इसको बना लेते हैं महीन पाउडर। बस इतनी सी ही ये वीडियो है। ये देखें, ये पिस के तैयार है। 40 से 50 सेकंड घुमाएंगे या थोड़ा सा रोक के घुमाएंगे तो 1 मिनट में आपका ये पाउडर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसको इस डब्बे के अंदर निकाल लेते हैं। आप एयर टाइट डब्बे के अंदर रखें, किसी भी चीज में रखें, और ये आराम से रह जाएगा। इतना थोड़ा सा दरदरा मोटा सा भी पीस सकते हैं, और इस तरीके का भी पीस सकते हैं। पहले वाले में हमारे में दखनी मिर्च की क्वांटिटी डबल थी, दखनी मिर्च की क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं। तो ये हम पूरा इसमें निकाल लेते हैं। ये देखें हमारा पाउडर। और हाँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको बहुत एहतियात से काम करना है, मिर्च को भी टच नहीं करें, और इसके अंदर जो पाउडर है वो भी हमारी तरह बिल्कुल चम्मच से ही निकालें, वरना इसका बहुत तेज बन होता है, और बच्चों को तो आसपास भी नहीं आने दें जब आप ये बनाएं। तो ये जरूर से बना के रखें। हमने इससे बहुत सारी डिशेस बनाई हुई है, बहुत सारी आगे हम बनाने वाले। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।